Hello everyone, you're watching Aviation Talk powered by AXA International. लॉकडाउन में जनता को राहत देते हुए डोमेस्टिक फ्लाइट्स को शुरू किया गया था, जिसे अब लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है। इस एक वीक में हमें ये बात साफ हो चुकी है कि लॉकडाउन के पहले जो चीजें चलन में थी, लॉकडाउन के बाद उनमें भारी बदलाव किए जाएंगे। जहाँ पहले हम सभी आसानी से एयरपोर्ट में एंट्री ले पाते थे, वहीं दूसरी तरफ अब हम सभी को लंबी कतारों में लगना पड़ता है, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है। जहाँ हम पहले एक दूसरे के पास पास कुर्सियों में बैठ पाते थे, अब उस पर भी पाबंदी है। ये सभी चीज़ें हम सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा की गई हैं। लॉकडाउन के बाद यही होगा नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, जिसका पालन करना होगा हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य। आइए जानते हैं हम खुद जनता से कि 25 मई को जब डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हुई तो उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद स्क्रीनिंग हुई है, सारे लोग अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ी हेल्प की, हमें सबसे हेल्प मिली और इजीली चलेगा। थैंक यू लगा मैम, क्योंकि हम लोग बहुत ही नॉर्मल ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, खरगोन से इंदौर आके लग रहा है कि लोग यहाँ पे ओवर प्रिकॉशंस हैं और उसकी जरूरत भी है। अच्छी है, एयरपोर्ट पे सारी फैसिलिटी अच्छी। कई सारे यात्रियों ने लंबी कतार और बार बार लगेज के सैनिटाइजेशन को अपनी यात्रा में असुविधा बताया है, तो ऐसे में सभी यात्रियों का ये समझना जरूरी है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये सभी चीजें की जा रही हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखें और प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। ये सभी सिस्टम जनता और प्रशासन दोनों के लिए नया है, तो थोड़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है, इसलिए सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। यदि आपको किसी भी तरह की शिकायत है तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से उस विषय में चर्चा कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ट्विटर पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को मेंशन करके अपनी शिकायत लिख सकते हैं। यदि आप एक सुविधाजनक यात्रा करना चाहते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल यात्री बनें। अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले गाइडलाइन को अच्छी तरह पढ़ें और उसका पूर्ण रूप से पालन करें। सबसे पहले ध्यान रखें कि यदि आप किसी कंटेनमेंट एरिया से हैं या बीमार हैं तो यात्रा करने का कोई प्लान ना बनाएं। यदि आप यात्रा करने वाले हैं तो पहले से सभी गाइडलाइन को जान लें, वेब चेक इन करें, आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को ईमानदारी से भरें, क्योंकि इन सभी चीज़ों की आवश्यकता आपको एयरपोर्ट में एंट्री लेते समय होगी। 25 मई को जब उड़ानें शुरू की गई तो कई सारे ऐसे यात्री थे जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया था, जिसके कारण एयरपोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ के साथ कई सारे यात्रियों को भी प्रॉब्लम्स हुई। फ्लाइट में सफर करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति यात्रा का हिस्सा ना बने। यदि हम बात करें वंदे भारत मिशन की, तो 24 मई को इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड की लंदन से आई फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की गई और इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहने के लिए होटलों में भेजा गया। जहां एक तरफ कई सारे लोग इस कोरोना क्राइसिस को सिर्फ मुश्किलों की तरह ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी मानकर इनोवेटिव तरीके से जनता की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया है इंदौर एयरपोर्ट की फायर टीम ने भी। इंदौर एयरपोर्ट की फायर टीम ने बिना किसी खर्च से स्टोर में पड़ी चीजों से एक कॉन्टेक्टलेस हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन बनाई है। ये मशीन एक फुट पेडल की मदद से चलती है, यानी अब आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी बॉटल को छूने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना तो आपको मशीन पर लगे फुट पेडल को प्रेस करना होगा, जिससे डिस्पेंसर का पंप पुश होगा और आपके हाथों में सैनिटाइजर आ जाएगा। इस तरह अब कॉन्टेक्ट लेस तरीके से आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर पाएंगे। जनता की मदद के लिए ऐसी सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 5 मशीनें इंदौर एयरपोर्ट की फायर टीम द्वारा तैयार की गई हैं। कोरोना काल में भी यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां एक तरफ सभी यात्रियों को फ्लाइट में किसी भी तरह की फूड प्रोडक्ट ले जाने पर मनाही है और ना ही फ्लाइट द्वारा ऐसी कोई चीज प्रोवाइड कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट्स ने प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की पूरी किट यात्रियों को देना शुरू कर दी है। इन्हें सभी यात्रियों को मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड जैसी चीजें फ्लाइट्स द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जहां एक तरफ फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों का भविष्य कोरोना क्राइसिस में सुरक्षित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे एयरपोर्ट का भविष्य बदलने के फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। भारत देश में इस साल फरवरी में 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया था। इसी के साथ 6 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का प्रस्ताव एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रखा गया है। इंदौर सहित देश के 6 एयरपोर्ट्स रायपुर, तिरुचापल्ली, अमृतसर, वाराणसी और भुवनेश्वर को निजी हाथों में सौंपने की बातें कही जा रही हैं।
निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण से मतलब है कि सारी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट से जुड़े काम प्राइवेट कंपनी के हाथों में होंगे, पर ATC टावर यानी कि एयरपोर्ट कंट्रोल टावर सरकार के हाथों में रहेगा और एयरपोर्ट डायरेक्टर भी होंगे। अभी सिर्फ ये प्रस्ताव एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रखा गया है। इसके बाद सभी इंटरेस्टेड कंपनीज बोलियां लगाएंगी और हाईएस्ट बोली लगाने वाली कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। यदि हम बात करें कि एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने से फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी और उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज कि सभी यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। जो भी कंपनी ये काम अपने हाथों में लेगी वो सबसे पहले यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेगी। उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट में इजाफा होगा, साथ ही शॉपिंग के लिए कई सारे नए आउटलेट भी खुलेंगे। एयरपोर्ट पर खाने पीने की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। होटल, कार्गो, हैंगर, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल जैसी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। सिक्योरिटी चेक और लगेज के लिए एक्सरे मशीन्स को बढ़ाया जाएगा। कंपनी कार्गो टर्मिनल और पार्किंग की सुविधा भी बढ़ाएगी। नाइट पार्किंग व हैंगर सुविधाओं में भी इजाफा होगा, जिससे फ्लाइट बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। यदि हम बात करें कि कोरोना क्राइसिस में एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन से यात्रियों को किस तरह का लाभ मिलेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि सैनिटाइजेशन पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और सिक्योरिटी को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट में सुधार से आने वाले समय में जब क्राउड बढ़ेगा, ऐसी सिचुएशन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से किया जा सकेगा। संभावनाएं हैं कि यदि कोरोना काल में प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो जनता को और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल पाएंगी। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि किन किन एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और क्या ये प्लान सफल होगा। इसी के साथ वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को किस तरह का लाभ होगा, जनता को किन दरों पर किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। आप देख रहे थे एविएशन टॉक पावर्ड बाय अक्सा इंटरनेशनल। तो यदि आपका भी है सपना एयर होस्टेस बनने का या आप बनना चाहते हैं केबिन क्रू का हिस्सा, तो ज्वाइन करें अक्सा इंटरनेशनल, इंडियाज़ नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।